किशन पोल के जिस बूथ पे हमने इतने लोगों से बात की, जालूपुरा चौराहे पे, वहाँ पर एक मंदिर है ठीक सामने में। इस क्षेत्र को संवेदनशील बताया जा रहा है और यहाँ एक मंदिर है। अभी कयूम साहब ने बताया कि ये आप कितने साल पुराना बता रहे हैं? 300 साल पुराना मंदिर। क्या नाम है आपका? सय्यूम अली गोरी। सय्यूम अली जी कह रहे हैं कि ये 300 साल पुराना इस मंदिर के पुजारी हैं। क्या शुभ नाम है पुजारी जी? जोशी। पंडित जी, ये कितना पुराना मंदिर है? 300 साल पुराना मंदिर है। हाँ, 300 साल पुराना मंदिर है और ये इस हालत में है कि कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ इतना ऐतिहासिक मंदिर है, ये इतना दिखाई दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब स्थापना के पहले का है और बॉर्डर से बाहर का है। ये परकोटा है, यहाँ से परकोटे के बाहर का मंदिर है ये। तो इतना बदहाल, मतलब 300 तो हिस्टोरिकल मंदिर है। हाँ, तो ये तो बाद में बना जीर्णोद्वार, जब जयपुर के बाहर का मंदिर है उस समय ये समझते थे ये जयपुर बनने से पहले का मंदिर है ये। हाँ, अरे और जयपुर से बाहर का है। सर आ जाए, थोड़ा सा लाइट आ जाए चेहरे पे आपके। हाँ जी, मेन जयपुर का परकोटा ये जा रहा है पास में, उस परकोटे के बाहर का मंदिर है। अच्छा, तो सिटी परकोटे के अंदर होती थी। हाँ, ये आउट का एरिया, जंगल का एरिया होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो सिटी बस गई है यहाँ। हाँ, अब तो मेन सिटी ये। क्या मुझे कुछ लोगों ने बताया कुछ की खतरे में है ये मंदिर की जमीन भी? नहीं, वो ठीक है, अब इतना सा ही एरिया बचा है। मंदिर की जमीन तो ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन अभी इतना सा ही बचा है, बस इतना सा एरिया ही आपका बचा हुआ है। एरिया बचा है, जो भी ठीक है। हाँ, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग आते जाते नहीं है यहाँ? हाँ, बहुत लोग आते जाते नहीं है, बाकी ऐसी कोई शांति है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों तरफ ही एरिया है जो है, लेकिन ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए, जैसा मैंने बताया कि आपको घूम करके ये विधानसभा है और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ वोटिंग की है और मंदिर के बगल में चूंकि कुछ लोग आ गए तो आपने देखा होगा कि है। देखिए, ये है और ये कहा जा रहा कि सरकार के कब्जे की जमीन, कोर्ट हुआ है। देखिए आप, ये हाईकोर्ट स्टे है ना, हाईकोर्ट स्टे है, मतलब ये गवर्नमेंट की ज़मीन है लेकिन वक्फ दावा कर रहा है इस ज़मीन पर है। और ये देखिए सामने है, पूरी ज़मीन जो सरकार की है लेकिन इस पर दावा अब वक्फ बोर्ड का है। और तो ये संवेदनशील, इसीलिए संवेदनशील इलाका कहते हैं। और ये ज़मीन बताया जा रहा है कि देखिए पुरानी मंदिर जो बताया गया 300 साल पुराना मंदिर है, ज़मीन पर राजस्थान सरकार, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, ज़मीन सरकार की है लेकिन हाईकोर्ट का स्टे लिया हुआ है क्योंकि वक्फ के बारे में कहा जाता है कि जिस ज़मीन पर वो अपना हक अदा कर दे, जिस ज़मीन के लिए वो कह दे कि वो मेरी ज़मीन है तो वो उसकी हो जाती है। तो ये शहर के एकदम सेंटर पॉइंट पर इतनी बड़ी ज़मीन है, वक्फ का दावा है हमारा है, राज्य सरकार की ये ज़मीन है और उसने स्टे ले लिया हुआ है क्योंकि रूल आपका ये है कि वक्फ जहाँ कह दे वो ज़मीन उसकी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस देश में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो वक्फ की है। और बदकिस्मती देखिए कि आपने देखा होगा पंडित जी को, जोशी साहब 300 साल पुराने मंदिर के पुजारी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वहाँ एक दूसरे समुदाय के लोग आ गए, उन्होंने चुप्पी लगा ली। ये बदहाली है और इसीलिए देखिए कि ये पूरा ये ज़मीन है और इस ज़मीन जो है ये मंदिर का एरिया धीरे धीरे जो है वो पूरी से बाहर हो रहा है और उस मंदिर की स्थिति साल पुराना बताया जा रहा है। और ये जो है ये वोट जो जहां वोट हो रहा है, लगभग बताया जा रहा है कि इस इलाके में 50-55% जो है मुस्लिम है। और ये मंदिर है जिसके बारे में अभी पुजारी ने बताया कि 300 साल पुराना है और हम इसीलिए कहते हैं कि कम से कम ये माना जाए कि इतना ऐतिहासिक मंदिर होने के बाद भी इस तरह खाली है। और एकमात्र पुजारी जी हमें दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमने बात की अभी। तो ये स्थिति है राजस्थान की, जिसके लिए हमेशा कहा जाता है कि यहाँ पर जब से अशोक गहलोत की जो सरकार है उनके ऊपर अलग तरह के आरोप लगते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं। और उसी का आलम है कि देख लीजिए कि 300 साल पुराने मंदिर की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो कुछ लोग कार्यकर्ता थे वो भी ये कह रहे थे कि ये बदकिस्मती है कि ज़मीन इनका जो है मंदिर का वो सिकुड़ता जा रहा है। ये भारत में राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थिति है, जयपुर के हालात हैं। अच्छा, ये कितना पुराना है? ये संबत 1788 लिखा हुआ है। देखिए, ये अंदर आ जाओ यहाँ की ले लो। 1788 क्लोज भी ले लो, ये आ रहा है 1788।
अभी चल रहा है 2080 1788 का मंदिर है ये प्रमाण है ये। हाँ ये पहली मूर्ति है, वो दूसरी मूर्ति है इधर। अच्छा 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 अच्छा, ये तीसरी मूर्ति है, खंडित हो गई, अपने हिंदुओं में लगाते नहीं है इसलिए दूसरी चेंज की है ये। हाँ ये भी मूर्ति है, ये भी पहले लगी हुई थी, तीसरी मूर्ति है जो पहले, ये पहले मूर्ति ये सब है, ये सब पुरानी मूर्ति है, ये बाद में तीसरी लगी है, ये तीसरी जिन्होंने द्वार किया था। ये जितनी दिखाई है ये वाला तीसरी मंदिर, ये जो अभी जो है मूर्ति है। हाँ हाँ, तो आप जो हैं इस मंदिर के खानदानी पुजारी हैं आप? नहीं, 20 साल से कर रहे हैं हम सेवा। बगल में हमारा प्लॉट है, मकान था हमारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के किशनपोल में ऐतिहासिक मंदिर, जहां हम अभी कुछ देर पहले पुजारी से जब बात किया, जालूपुरा चौराहा। जालूपुरा चौराहा मतलब ये 300 साल पुराना मंदिर है, 292 ईयर्स ओल्ड, 292। और तब जो है आप करीब एक डेढ़ घंटे से हैं, एक भी लोग पूजा करने और एक भी लोग कोई नहीं आए, कोई नहीं आया, लोकल कोई गिनती 5 आदमी आते हैं। पंडित जी कहा जाता है कि इतना पुराना यदि मंदिर हो उससे हजारों लोगों का रोजगार चल सकता है, इतना ऐतिहासिक मंदिर से। और हम लोग ये मानते हैं कि मंदिर जो है वो रोजगार का जरिया भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे तो एक पुजारी के परिवार का भी मतलब जो है भरण पोषण मुश्किल है, इतना पुराना मंदिर होने के बाद भी। हाँ अभी हाँ इतने, ये एरिया ऐसा है, ये श्रद्धालु कम है, श्रद्धालु मतलब मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल है 60% से ज्यादा। आपके मंदिर के पीछे जो हमने अभी दिखाया जमीन, हाँ, वो जमीन जो है वक्फ दावा कर रहा है हमारा है, अभी दावा वक्फ कर रहा है कि उसकी जमीन है। और ये मंदिर अगर नहीं होता, हाँ, यहाँ अगर माता जी की शक्ति वगैरह नहीं होती तो शायद ये भी उनके अंदर में ही होता, उनके अंदर में ही होता। तो इस मतलब ये आलम है, हाँ, कि सरकार की जमीन पर उन्होंने हाईकोर्ट से भी स्टे ले रखा है, हाँ, और ये मंदिर भी अपने आप में संकट में एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल यही कह लेंगे और क्या। ये आप देख रहे हो कितनी सी जगह रह गई है, कितनी सी जगह रह गई है, जबकि राजा महाराजा परिवार यहाँ धोख देते थे। ये राज परिवार का मंदिर है ये? नहीं, राज परिवार भी धोख देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो भी जयपुर में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी जमीनें जागीरें हैं। अच्छा, इस अच्छा। मंदिर की नहीं है, कहाँ आ गई, तो इसकी भी है, यही है जागीर इसकी, लेकिन इन्होंने अब अलग अलग दावे हो रहे हैं, अलग अलग दावे हो रहे हैं, अलग इस अलग मंदिर पे भी कुछ दिन बाद दावे हो जाएंगे, यदि यहाँ तक वक्त की जमीन आ गई तो आपके मंदिर भी हटा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आसपास तो वही बैठे हैं चारों तरफ, तो वो हो सकता है। चलिए बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।